अली। बोलो। साफ साफ बता दे सब कुछ कब तक चलेगा? क्या हो गया तुम्हें, बैठे बैठे क्या हुआ है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? पागल तो नहीं होगी कहीं? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मैं पागल हो गई हूँ आपके इस कैद खाने से, मैं पागल हो गई हूँ आपकी शको शुबात से, मैं पागल हो गई हूँ आपकी हर एक चीज से। हाँ तो जब तक मुझे तुम्हारी वफा पे एतबार नहीं आएगा तो ऐसे ही चलेगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला, मैं जन्नत से भी वापस आ जाऊंगी ना तब भी आप मुझ पर शक करेंगे, क्योंकि आपकी शक करने की आदत है। बकवास बंद करो अपनी। मैं क्यों बकवास बंद करूं अपनी? कोई मर्द इतना भी गिर सकता है कि अपनी बीवी पे नजर रखने के लिए पूरे घर के हर कोने पे कैमरे लगा दीजिए, जबकि अपने कमरे में भी क्यों? हाँ तो तुम्हारा क्या ख्याल है, जो तुमने किया उसके बाद तुम्हें ऐसे ही छोड़ देता मैं? पता नहीं किस किस के साथ तुम गुलखिलाती रही हो। बस कर दे अली, खुदा के लिए बस कर दे, मैं तंग आ गई हूं आपकी रोज रोज की हरकतों से। अब बाहर नहीं, तंग आ गई तो दफा हो जाओ अपनी माँ के घर। ये याद रखो कि मैं नहीं तुम्हें वापस लेके आया था, तुम और तुम्हारी माँ मेरे कदमों में आके गिरे थे, तभी हम तुम्हें वापस लेके आए। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हम ही वो लोग थे जो आप जैसे गिरे हुए लोगों के आगे गिर गए थे। अब मजीद ऐसा नहीं होगा। मैं आप जैसी जहनियत वाले इंसान के साथ अब और नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मेरी बात सुनो, अगर आज तुम इस घर को छोड़ के गई ना तो वापस कभी नहीं आओगी। सड़ती रहना सारी जिंदगी अपनी माँ के घर। इस बार वापस आने के लिए नहीं जाऊंगी, कि आप जैसे ज़हनी मरीज के साथ मैं और नहीं रह सकती। क्या तुमने मुझे ज़हनी मरीज? हाँ, आप भी ज़हनी मरीज हो। आपको ना ज़हनी इलाज की जरूरत है, आपको भी और आपकी माँ को भी। रोकना नहीं मुझे, जा रही हूं अपनी मां के घर में। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि कोई इंसान इतनी हद तक गिर सकता है कि अपने बेडरूम में कैमरास लगवा दे, वो भी इसलिए कि बीवी के ऊपर नजर रख सके। हद है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अली ऐसी हरकत भी कर सकता है। तो अब कर ले यकीन, पहले दिन से बता रही हूँ कि वो इसी तरह का है। अच्छा तैयबा ने भी कुछ नहीं कहा उसे? वो क्या कहेंगी अम्मा, उनकी नजरों में तो पूरी दुनिया गलत और उनका सिर्फ वाहिद बेटा ठीक है। अम्मी मैं हमेशा से आप लोगों को बताती आ रही हूँ पहले दिन से कि ये दोनों माँ बेटे ना पागल है, मगर आप लोगों को समझ नहीं आई। आप लोगों को लगता है कि मैं बच्ची हूँ, मैच्योर नहीं हूँ। बेटा मुझे क्या पता था, मैं तो यही समझी थी ना कि गलतफहमी है, दूर हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। गलतफहमी उसकी नहीं आपकी थी अम्मी, वो तो हमेशा से इसी तरह की हरकतें करता आया है। हमेशा सही कह रही अम्मा, मैंने बहुत कोशिशें की हैं इस रिश्ते को लेकर चलने की, बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। उस शख्स को मुझ पर शक करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती, उसके सामने कोई भी बात आ जाए बस मुझे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। बहुत अच्छा किया जो उस टॉर्चर को छोड़ के यहाँ आ गई हो, अब वापस जाने की जरूरत नहीं है। और अम्मी मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपने मेरी वजह से इससे कोई और कुर्बानी मांगी ना तो मैं अपने रिश्ते से खुद इनकार कर दूंगी। क्या कह रमशा, फजूल बातें मत करो। फजूल बातें नहीं कर रही अम्मी, अगर इतना ही अजीज है ना उनको ये रिश्ता तो कभी खत्म नहीं करेंगे, और अगर इसी बात को इश्यू बनाकर उन्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है ना तो आज ही कर दें तो बहुत अच्छा है, वरना एक बेटी तो घर पे आके बैठ गई है, दूसरी भी आके बैठ जाएगी।
मां? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? है? ये कब हुआ? समझ नहीं आता इस लड़की को कैसे समझाऊं। इसे तो जैसे मेरी परवाह ही नहीं है। हमारा इतना एज डिफरेंस तो नहीं है कि हिना ने मुझे ये सब कहा। वो पहले तो ऐसी नहीं थी, ना जाने से क्या हो गया है। बार बार फोन कर रही हैं, जब हम लोग कर रहे थे तो फोन तक नहीं उठा रही थी। अब अलेना आई है तो फोन करना याद आ गया। हेलो, ये अलेना ने क्या हरकत की है? क्यों, अब क्या कर दिया मेरी बच्ची ने? ये आप मुझसे पूछ रही हैं कि उसने क्या किया है? शरीफ लड़कियों के ये तौर तरीके होते हैं कि आधी रात को घर छोड़ के चली जाएं। आपने उसे शरीफ बच्ची समझाई कब था? ये घुमा फिरा के आप बात मुझसे मत कीजिए। अलीना को फौरन घर भेज दीजिए, ये ना हो कि कल उसके लिए इस घर के दरवाजे बंद हो जाएं। जिस कैद खाने में आपने मेरी बच्ची को रखा था ना, मैं अपनी बेटी को दोबारा वहाँ पर नहीं भेजूंगी, समझिए आप? आप जानती भी हैं कि आप क्या कह रही हैं? बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तैबा बेगम, बल्कि आपको एक मशवरा दूंगी मैं। आप अपने बेटे को ना किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाएं, ज़हनी मरीज है वो। खबरदार, जो मेरे बेटे के बारे में आपने एक लफ्ज भी और कहा तो। मैंने तो आज तक ऐसा घर नहीं देखा कि जहां बीवी पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाए गए। आप गलत बात कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अलीना मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही है। मेरी बच्ची को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, पर बेहतर ये होगा कि अपने पागल बेटे से पूछिए उसने ऐसी हरकत क्यों की है। खुदा हाफिज। इस वक्त दादार दुनिया में खौफ की अलामत बन चुका है, इसी तरह से उम्र का डंका बजेगा यहाँ पर। जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, हम उन पर रहम नहीं करेंगे। बहुत अच्छा किया अम्मी, जो आपने मैं खरी खरी सुना दी। ये शायद मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। शायद नहीं, यकीनन, मगर आपने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया। हम माए कभी कभार अपनी बेटियों का घर बसाने के लिए से बड़ी कुर्बानी मांग लेती है। बेटियों का घर बसाना जरूरी है, लेकिन बेटी कुर्बान करके नहीं। Thank you.
साहब जी, सब ठीक तो है ना? आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ सब ठीक है, बस ऐसी ऑफिस की टेंशन। साहब जी, बेचारे बीबी जी की वजह से परेशान हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। अल्लाह ऐसी औरत से बचाए जिसे घर और शौहर की कोई परवाह ही नहीं है। इतना कुछ होता रहा, अलीना इतना कुछ बर्दाश्त करती रही, क्यों? तो और क्या करती बेटा, शादी के बाद तो हर औरत को बर्दाश्त करना पड़ता है। ये कैसी लॉजिक है? शादी तो खुशी का नाम है, किसी मजबूरी या किसी सजा का थोड़ी। वो तो बस अच्छी बेटी होने का फर्ज निभाती रही, मेरे कहने पर वहां चली गई और मेरी खातिरी सब सहती रही। शायद अपनी बच्ची से कुछ ज्यादा ही मांग लिया था मैं। बड़ी ज्यादती हुई है अम्मी उसके साथ। जानती हूँ बेटा, मुझसे बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है। अम्मी अगर मुझे इन सब हालात का पता होता ना तो मैं कभी उसको वापस ना जाने देता। हालात का तो बेटा हमें भी नहीं पता था कि वो इस कदर ज़हनी अज़ियत से गुजर रही है। बस अंदाजा था, नजरअंदाज करते रहे, ना उसने कुछ बताया ना हमने कुछ पूछा। अम्मी आप खुला का केस फाइल करें, जो भी खर्चा होगा मैं उठाऊंगा, लेकिन अब अलीना उस जहन्नुम में नहीं रहेगी। एक बार फिर सोच लो बेटा, ताल्लुक एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता। सोचना कैसा अम्मी, इतना कुछ हो जाने के बावजूद आप मुझे सोचने के लिए कह रही हैं? अम्मी जब उसने वहां पर रहना ही नहीं और हमने उसे वहां भेजना ही नहीं है तो ऐसा ताल्लुक रखने का फायदा क्या जो बबाले जान बन जाए? उसका टूट जाना ही बेहतर है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज। नूरी, नूरी। जी बीबी जी, आई। आ भी जाओ अब। साहब तो नाश्ता करके चले गए हैं। पता है मुझे, जाहिर सी बात है जाना ही था, सुबह के 11 बज रहे हैं। अच्छा सुनो, तो तुम सब कुछ बुला देती हो, मेरे लिए नाश्ता लगवा दो और ड्राइवर से कहना कि गाड़ी तैयार करे। जाओ। आपने कहीं जाना है क्या? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? अभी उस दिन तुम्हें समझा रहा था मुझसे, तो सवाल जवाब नहीं किया करो। नौकरानी हो ना, काम पे ध्यान दिया करो, जा जाके काम करो अपना। वो मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि। यार चुप कर जाओ तुम, बहुत बातें करती हो। एक तो जाओ जाके काम करो। चलो शाबाश, जाओ। गाड़ी का नहीं भूलना, प्लेटें रखवाओ। देखो मैं यहाँ पे सब कुछ छीलम छाली करके रख रही हूँ। स्लो मोशन जाओ। ड्रामा कोई नहीं नंबर की। अलीना बेटा, दोपहर होने वाली हो गई है और तुम अभी तक सो रही हो। उठो मेरा बच्चा, उठो। क्या करूंगी अम्मा उठ के? ये क्या बात हुई भला, क्या क्या करूंगी? उठो, उठकर फ्रेश हो, मुंह धो, कुछ खा लो बेटा। रात से कुछ नहीं खाया तुमने। मुझे वैसे ही कम भूख लगती है अम्मा। बेटा इस तरह जिंदगी नहीं गुजरती। जिंदगी तो ऐसे भी नहीं गुजरती अम्मा। खासतौर पे बेटियों की, माँ बाप के घर हो तो मुश्किल, शौहर के घर जाए तो मुश्किल।
कहा है हमारे लिए जिंदगी आसान? कहीं भी नहीं। ऐसी बातें नहीं सोचते बेटा, चलो उठो और पहले की तरह जिंदगी गुजारो अपनी। मां, अब कुछ करने को दिल नहीं करता, ऐसा लगता जैसे अंदर से खत्म हो गई हूँ मैं। क्या क्या हो गया बेटा? इधर आओ मेरे पास। कुछ खत्म नहीं हुआ, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? मेरी बेटी बहुत बहादुर है, उसे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। वो हार गई है, वो हार गई है। अब मैंने बहुत कोशिश की, सब ठीक कर दो, नहीं लेकिन नहीं ठीक कर सकी। मेरी बेटी हार नहीं सकती, बहुत बहादुर है मेरी बच्ची, बस मेरा बच्चा, बस। तुमने इतनी बड़ी बात कर दी, उसने आगे से कुछ नहीं कहा? क्यों कुछ बोलता वो? मैंने कौन सा कोई झूठ बोला, मैंने तो सच ही बोला उससे। फिर भी बेटा कुछ तो बोला होगा। नहीं, मेरी तो बात ही नहीं हुई उससे उसके बाद, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, कुछ नहीं बोला उसने मुझे। लेकिन बेटा ऐसा होना नहीं चाहिए था। अच्छा ये सही नहीं होगा, लेकिन ये सही है कि वो मुझे हर वक्त ये बोलता रहे कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं मैच्योर हूँ, मैं घर की जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं बच्ची हूँ। तो अगर मैं बच्ची हूँ ना, मैं भी उसे कह सकती हूँ कि तुम बुढ़ी हो, तुम असल में बुढ़ी हो, तुम पता नहीं क्या क्या करवाना चाहते हो मुझसे। कुछ अक्ल करो लड़की, मर्द को उम्र का ताना कोड़े की तरह लगता है, वो खुद चाहे कितनी उम्र का क्यों ना हो अपनी उम्र के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकता। भाई सच सुनने की ना हिम्मत रखनी चाहिए इंसान को, मैं किसी से झूठ फूट नहीं कह सकती। अरे अभी शादी को अरसा ही कितना हुआ है जो तुम ये बातें कर रही हो? हाय अल्लाह, मेरी तो मत मारी गई थी कि मैं अपनी माँ के घर आ गई अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए। क्या करूँ मैं, आप मुझे बताएं। इतने ऊंचे घर में इतने बड़े बिजनेसमैन से मैंने इसलिए शादी की थी कि मैं नौकरों की तरह उस घर में रहूं। नौकर की तरह नहीं रहो, कम अज कम शौहर का ख्याल तो रखो। अम्मा तुम्हें ख्याल रखती तो हूँ, अब मैं क्या सर आंखों पे बिठा लूँ, नाश्ते बना बना के दिया करूँ या फिर चार दीवारी में बैठ के इंतजार किया करूँ उनका? अरे मेरा बेटा मेरी बात सुन, देखो सारी लड़कियाँ ऐसा करती हैं, तुम कोई अनोखा तो नहीं करती ना? अम्मा लेकिन मैं कसम से नहीं कर सकती, मुझसे नहीं इतनी खिदमतें विदमतें होती, पता नहीं क्यों मेरी छोटी उम्र में शादी करा दी। मैंने तो अगर जिद की थी तो आप नहीं कराती, आप मुझे समझा देती कि तुम अभी छोटी हो, तुमसे सारे काम काज नहीं हो सकते। मैं अब क्या करूं, मैंने तो ये सोचा था कि वेल सेटल्ड है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, मुझे प्रिंसेस की तरह रखेगा, लेकिन आप लोग तो कहते हैं कि काम करो नौकर बन जाओ। अरे बेटा इतने ठाट से तो रह रही हो, और क्या चाहिए? अम्मा मुझे माफ कर दो, मुझसे ना गलती होगी कि मैं आपके पास आ गई एडवाइस लेने के लिए। आप और तो किसी काम नहीं आ सकती, मुझे अगर मेरे दिल को सुकून नहीं दे सकती ना तो पेट को देते हैं, मुझे खाना देते हैं, जाए प्लीज। अच्छा ये बताओ क्या खाओगे, क्या बनाओ तुम्हारे लिए? मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा ठीक है, तुम बैठो मैं लेकर। मेरी बेटी भी देख रही, शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है, क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अख्तर को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया, इनका ट्रायल आज से शुरू होगा। अम्मी यहाँ क्यों खड़ी है, क्या हुआ है, क्या सोच रही है? सोचना क्या है बेटा, मेरा तो सोच सोच के दिमाग थक गया। भाई से बात हुई आपकी कोई? हाँ हुई थी। क्या कहा उन्होंने? क्या कहना उसने, वो तो कह रहा है कि बस अब इस किस्से को खत्म करें, खुला ले लें। बिल्कुल सही बात की है उन्होंने,
अब ऐसे क्या देख रही हूँ? क्या आपको अब भी लगता है कि अलीना को खुला नहीं लेनी चाहिए? अब मुझे लगता है कि उसे खुला में देर नहीं करनी चाहिए। अम्मी, मुझे अपनी बेटी का घर ज्यादा अजीज है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे अपनी बेटी अजीज है। अपने बच्चे की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। अम्मी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। आ जाए बैठे। पानी लाऊं आपके लिए? बेगम साहब किधर? वो तो सुबह नाश्ता करते ही निकल गई थी। निकल गई? कहाँ? बता कर नहीं गई? मैंने पूछा था, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। बल्कि वो तो मुझ पर ही गुस्सा करने लग गई कि मैं किस हैसियत से उनसे पूछ रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ। मैं बस अभी घर पहुंची हूँ। शॉप सुनो, मैं तुम्हें करती हूँ कॉल। हाँ, आप आज जल्दी आ गए? हाँ, सोचा था कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा, लेकिन घर आया तो पता चला कि तुम घर पर नहीं हो। सही नसीब, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का सोचा आज आपने। आप घर पे कहाँ होते हैं जो मैं घर पे बैठूं? हर वक्त तो बाहर होते हैं, इसलिए मैं हर वक्त अम्मी की तरफ होती हूँ। लेकिन आज तो मैं वहां से शॉपिंग भी गई हूँ, और इतना अच्छा दिन गुजरा ना, मैं आपको क्या बताऊं। I'm sure अच्छा दिन गुजरा होगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। अच्छा आप देखे ना, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ गई ये। ये देखें। है ना, मुझे शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो भी औरतों की शॉपिंग। मैं थका हुआ, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। पता नहीं इतने बदसौक क्यों है, किसी चीज का शौक ना, घूमने का ना, फिरने का ना, शॉपिंग का। बस जब देखो ऑफिस इनकी जान को आए रहते। पता नहीं मैं कैसे इस शख्स के साथ पूरी जिंदगी गुजारूं। अकेली घड़ी क्या सोच रही हो? नहीं तो नहीं पता कि क्या सोचूं। मेरी जान, अच्छा अच्छा सोचोगी तो सब अच्छा हो। कुछ अच्छा और बाकी नहीं रखे। क्यों, तुम्हारे नजदीक क्या जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी थी? जो खत्म हो गई तो जिंदगी भी खत्म हो गई। गोल्ड मेडलिस्ट आ चुके हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। आगे पढ़ना ख्वाब था तुम्हारा, उस ख्वाब का क्या हुआ? सब मर गए। मर नहीं गया, तुमने उसे जिंदा दफना दिया। किसी एक शख्स के चले जाने से सारी जिंदगी नहीं खत्म हो जाती, और वो भी इतना फजूल शख्स। इतनी हसीन जिंदगी है, इसे फिर से जियो। शब मुझे अफसोस किसी के आने और जाने का नहीं है, मुझे अफसोस उस तकलीफ का जिसने मेरी जात के गुरूर को, मेरे भरोसे को छीन लिया मुझसे। ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हुआ? मेरी जान, दुनिया में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आजमाइश होती है। तुम्हारी यही आजमाइश थी, ठीक है?
बहादुर बनो और इस डिप्रेशन से बाहर निकलो ताकि अपने लिए कोई फैसला कर सको। जिंदगी यहीं खत्म नहीं हो जाती। अब रोना बंद करो यार, क्या हो गया? देखो तुम ऐसी बिल्कुल नहीं थी। शहजाद, मैंने माना कि आप एक मैच्योर इंसान, मुझसे उम्र में बड़े, इसलिए आपकी और मेरी सोच में बहुत फर्क है। और जो आप कहते हैं सो कॉल्ड मैच्योर, वो भी है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं भूल जाऊं मैं कितने साल का। आपको मेरे बारे में भी सोचना चाहिए। मेरी उम्र देखें, इस उम्र में लड़कियों की ख्वाहिशें होती हैं कि आप चाहते हैं कि मैं खुद को अंदर से मार दूं। शायद हिना ठीक कहती है, हमारी उम्रों का फर्क हमारे दरमियान आ खड़ा हुआ है। हिना में अभी भी बहुत बचपना है, मुझे उसे तरीके से हैंडल करना चाहिए। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा।